दोस्तों कितनी स्वादिष्ट, कितनी रस से भरी हुई रसमलाई दिख रही है, कितनी टेस्टी बनी है ये। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करके बता नहीं सकती। और ये जो नॉर्मली रसमलाई हम खाते हैं, यानी कि जो छन्ने की रसमलाई होती है, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। यानी कि आज हमने जो रसमलाई बनाई है वो छन्ने से नहीं बनाई है, वो हमने किसी दूसरी चीज़ से बनाई है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा सस्पेंस रखूँगी, आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया है यहाँ पे लगभग एक ग्लास मलाई वाला दूध। दोस्तों ये मेरे पास दूध बिल्कुल मलाई से भरा हुआ दूध पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि नॉर्मल दूध यूज़ करने से अच्छा है कि मैं ये मलाई वाला दूध यूज़ करूँ। तो ये मैंने मलाई वाला दूध लिया है। और अगर आप नॉर्मल दूध लेते हो तो आप इसके अंदर एक चम्मच घी डाल लें, क्योंकि मलाई ऑटोमेटिक दूध में घी छोड़ देती है। तो अभी जैसे कि एक उबाल आ गया है, तो ये लिया है यहाँ पे मैंने चावल का आटा आधा कप, और आधा कप ही लिया है मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो ये दोनों हम साथ में डाल देंगे इसमें। और ये डालते टाइम हमें जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो पे रखना है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि मैम ये क्या कर रही है, रसमलाई की वीडियो में चावल का आटा, मिल्क पाउडर, ये सब क्या है। तो ये भी आपको थोड़ा सा सस्पेंस है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये बहुत टेस्टी बनने वाली है। लगभग दो चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है दरदरी पिसी हुई शुगर, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसमें मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने शुगर इसलिए डाला है दोस्तों क्योंकि जब हम रसमलाई को खाएं तो ये हमें बिल्कुल से फीकी ना लगे, इसके अंदर से थोड़ी थोड़ी मिठास आती रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे दो चम्मच शुगर डाला है। इसे दोस्तों हम लगभग 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा ये मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें फ्लेवर के लिए, एंड क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है तो हम इसको थोड़ा सा 5 से 7 मिनट तक थोड़ा सा पकाएंगे। एंड उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट क्योंकि रसमलाई पीले कलर की होती है तो पीले कलर के लिए हमें फूड कलर ऐड करना पड़ता है। सो ये मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। और इस प्रोसेस के साथ हम इसको 5 मिनट के लिए लगभग सिम गैस पर पका लेंगे। और इसे बिल्कुल टाइट यानी कि एकदम चिकना हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। इसको इस तरह से मैश करेंगे ताकि मिल्क पाउडर के जितने भी लम्प्स रहे हों वो सारे के सारे लम्प्स निकल जाएं। सो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे देखिए ये रसमलाई इतनी टेस्टी बनेगी कि आप सीरियसली छन्ने की रसमलाई खाना भूल जाओगे। और ये एक नई डिश मैंने ट्राई की है और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी अच्छी बनेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, जो हम रसमलाई में दूध यूज़ करने वाले हैं वही। तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैंने एक कटोरी में लगभग थोड़ा सा दूध लिया है और इसमें डाल दिया है लगभग 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हमें दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है तो गाढ़ा करने के लिए हम कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने नॉर्मली कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोपस का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है और अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है हम जो कस्टर्ड पाउडर वाला दूध है वो इसमें मिक्स कर देंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि डायरेक्टली कस्टर्ड पाउडर आप गर्म होते हुए दूध में ना डालें, वरना उसमें से लम्प्स कभी नहीं जाएंगे। तो पहले आप कस्टर्ड पाउडर को थोड़ा सा ठंडे दूध में घोल लें और उसके बाद उसे मिक्स करें। ये यहाँ पे मैंने केसर की कुछ पंखुड़ियाँ ली है, ये डाल दी है इसमें। और ये डाल रही हूँ दोस्तों मैं लगभग 2 बड़े चम्मच शुगर। इसे अच्छे से पिघलने देंगे और उबाल आने देंगे। तो ये देखिए उबाल आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, दूध गाढ़ा पड़ना शुरू हो गया है। और क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा पड़ जाएगा। ये देखिए तो दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तब तक दोस्तों चलिए अभी तक हमारा जो बैटर था वो भी ठंडा हो गया होगा, ये देखिए। तो अब हम इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे एकदम से चिकना। और आप देख सकते हो दोस्तों मुझे ज़्यादा मैश नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी चिकना बना है एकदम से, जैसा डो मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही डो बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसकी जो रसमलाई है वो तैयार करेंगे। दोस्तों मलाई वाला दूध लेने का यही बेनिफिट होता है कि आपको जैसा डो आपको चाहिए बिल्कुल वैसा प्रिपेयर हो जाता है।
तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे बिल्कुल एक गोल बॉल की तरह बना के इसको थोड़ा थोड़ा फिंगर की हेल्प से चपटा कर देंगे, बिल्कुल रसमलाई के जैसे। और इसी तरह से सारी रसमलाई तैयार करेंगे। एंड दोस्तों आज हम इनको पकाने भी दूसरे तरीके से हैं, यानी कि आज हम इनको स्टीम करके पकाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, ये देखिए। अब इसके अंदर एक इस तरह से छलनी रखेंगे और छलनी के ऊपर हम अपनी सारी जो रसमलाई है वो सब रखेंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत चावल का आटा कच्चा रहा होगा वो ये स्टीम से पक जाएगा। और इसको कवर करके एक ऐसे ढक्कन से कवर करना है जिसमें से बिल्कुल भी हवा ना जाए, तो कवर करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो एकदम से फूल गई है जो रसमलाई है वो। और ये देखिए मेरी दो रसमलाई तो आपस में चिपक भी गई है, एक इतना फूल गई है। तो इनको थोड़ा सा पहले ठंडा करेंगे और ठंडा करके इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि गर्म गर्म निकालेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इनको ठंडा करके बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये बहुत स्पंजी बनी है, जैसा स्पंज मुझे बिल्कुल चाहिए था, नॉर्मली मेरी रसमलाई में बिल्कुल वैसा स्पंज आया है। तो ये सारी की सारी रसमलाई को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब जैसे ही दूध अच्छे से, ये देखिए दूध एकदम से गाढ़ा पड़ गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद आए आप वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ छोटे छोटे बारीक कटे हुए पिस्ता। एंड दोस्तों अब जैसे इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो हम एक एक करके अपनी सारी रसमलाई इसमें डाल देंगे और लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इनको दूध में बॉईल होने देंगे। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम अब 5 मिनट के लिए इनको फिर से पकाने वाले हैं। तो 5 मिनट के अंदर हमें ये जो दूध है इसको सिर्फ एक या दो बार चलाना है, यानी कि अब बार बार हमें इसको चलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार चलाएंगे तो जो रसमलाई है वो टूट जाएगी। तो 2-2 मिनट के अंतराल से एक बार आप इनको बीच में से, थोड़ा सा बीच में से आप इसको स्टर कर सकते हो। और उसके बाद आप इनको ढक के ठंडी होने के लिए रख दीजिए। तो अब देख सकते हो आप कितनी अच्छे से रसमलाई बनके रेडी हुई है, दूध एकदम से गाढ़ा पड़ गया है और लग नहीं रहा है ना देख के कि ये जो रसमलाई हमने बनाई है वो चावल के आटे की बनाई है, छन्ने की नहीं बनाई है। दोस्तों इसका टेस्ट थोड़ा छन्ने की रसमलाई से अलग होगा, क्योंकि ऑब्वियस है वो छन्ना होता है और ये चावल का आटा है। तो लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूँगी फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।